14 दिन, आज तो 15वां दिन है और सरकार नॉट इन। जी हां, महाराष्ट्र की बात करेंगे। आज सबसे पहले अखाड़ा में महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि कुछ ही घंटों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में अगर किसी दल की तरफ से सरकार नहीं बनाया जाता तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसलिए आज भाजपा और शिवसेना, यानी बीजेपी और शिवसेना में हलचल बहुत तेज है। अब से कुछ देर पहले मातोश्री में शिवसेना के विधायकों की बैठक हुई। सूत्रों का दावा है कि सभी विधायकों को पार्टी के लिए निष्ठा की शपथ दिलाई गई है। शिवसेना के सामने अपने 56 विधायकों को टूटने से बचाने की चुनौती है। ये पहले भी हो चुका है, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जहां उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं लगा कि शिवसेना के पूरी तरह कंट्रोल में है। अब इसी वजह से शिवसेना ने अपने विधायकों को पार्टी की निष्ठा की शपथ दिलाई है कि आप पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सूत्रों का दावा है कि हर एक विधायक की जिम्मेदारी शिवसेना के विभाग प्रमुख को दी गई है। शिवसेना के विभाग प्रमुख के साथ शिवसेना शाखा प्रमुख और स्थानीय शिवसैनिक मौजूद रहेंगे, यानी कि घेराबंदी, हाउस अरेस्ट। लगभग ऐसी परिस्थिति हो गई है कि भाई आप हमारी आंखों से कहीं ओझल नहीं हो सकते, कहीं गायब नहीं हो सकते, पलायन नहीं कर सकते पार्टी से। अब विधायकों के हर फोन कॉल पर विभाग प्रमुख की नजर रहेगी। नजर क्या, कान भी रहेंगे, यानी सभी विधायक पूरी तरह पार्टी की निगरानी में रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की समझ भी समझ रही है कि शिवसेना के बिना उनकी सरकार नहीं बन सकती, इसलिए शिवसेना की मुख्यमंत्री पद की जिद के अलावा बाकी मांगों पर पार्टी विचार करने के लिए तैयार है। अब सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इस वक्त शिवसेना के बगैर कोई अल्पमत सरकार बनाना नहीं चाहती। महाराष्ट्र के हित में मुझे लगता है कि जल्दी ही मार्ग निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के अलायंस को मैंडेट मिला है और जल्दी ही निर्णय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है अलायंस में, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। अभी सरकार बनाने का दावा पेश करने के पहले जो कुछ बातें राजनीतिक परिस्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या निर्णय करना है एक और टीम बैठकर आगे निर्णय करेगी। हमारी इच्छा महायुति की सरकार बैठे ऐसी ही है। शिवसेना के विधायकों को हम भी जानते हैं, वो ऐसे थोड़ी फूटते हैं। भाजपा का विधायक हो, शिवसेना का विधायक हो, 15-15 वर्ष हम सत्ता के बाहर रहे तब नहीं फूटे, और अब तो सत्ता साथ में आ सकती है, जनादेश है, तब क्यों फूटेंगे भाई। हम तो यही देख रहे हैं, उन्होंने देवेंद्र जी को शिवसैनिक माना है तो हम तो यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। आप ही कहते हो कि देवेंद्र जी शिवसैनिक है, तो फिर आप क्या प्रश्न उपस्थित हुआ है। देवेंद्र जी के रूप में अगर शिवसेना भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है तो आपका उतना ही हक है जितना हमारा हक है, तो हम तो वही कह रहे हैं भाई, देवेंद्र जी को आपने शिवसैनिक माना है, बस तो यही गुड न्यूज है, आप मान लो। हमारा विचार बड़ा स्पष्ट है, जनादेश ये शिवसेना भाजपा आरपीआई और मित्र पार्टियों को है, और हमारा साथ में ये भी विश्वास है। इसके पहले भी ऐसी समस्याएं उपस्थित हुई थी, मगर सारी समस्याओं का निराकरण इसके पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार हुआ है, तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी, महायुति की सरकार बनेगी। और आप भी एक बात सोच लो कि शिवसेना ने भी कभी ये नहीं कहा कि हमको भाजपा के साथ जाना है, उनकी भी भावना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखोगे तो उनकी भावना भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाने की है। महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार गठन के गतिरोध पर क्या हलचल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से ट्राइडेंट होटल के सामने से अभिषेक पांडे और मुंबई में ही मातोश्री से दिवाकर सिंह। दिवाकर की ओर पहले मैं रुक करूंगा, हमारे साथ बने रहिए अभिषेक। दिवाकर, अभी मातोश्री में ये मीटिंग हुई है, सुबह संजय राउत ने कहा था कि हमें देवेंद्र फडणवीस से कोई बैर नहीं, ऐसा हमने कोई मांग नहीं की कि नितिन गडकरी बने, चीफ मिनिस्टर बने तब शिवसेना समर्थन देगा। अब सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सीएम तो शिवसैनिक ही होगा, सीएम की मांग पर हम अड़े हैं। अब सुबह फडणवीस शिवसैनिक थे, अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं सीएम शिवसैनिक होगा, ये पेज फंस कहां रहा है? देखिए आनंद, पेज तो एक ही चीज को लेकर फंस रहा है, मुख्यमंत्री पद को लेकर। मुख्यमंत्री पद ही शिवसेना का सबसे बड़ी जो मांग है वो जो है कि 50-50 का फार्मूला लागू होगा,
ढाई साल का मुख्यमंत्री जो है हमको चाहिए ही चाहिए, हम उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। जो संजय राउत पहले ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही शिवसैनिक हैं, वही संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में शिवसेना खुद जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्हें करना क्या है। लेकिन अब जब बैठक चल रही है, बैठक में तमाम जो विधायक मौजूद हैं, शिवसेना के जितने भी विधायक हैं, उन्होंने जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उन्होंने साफ तौर पर उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि अब आप पीछे मत हटिएगा, हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। यानी जो मीटिंग में चल रहा है, विधायकों ने एकजुट होकर कहा है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जब निष्ठा की शपथ दिलाई है, तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना की कोशिश है कि एक भी विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी लालच दे दी जाए। तो ऐसे में बैठक जो है करीब आधे घंटे पहले उद्धव ठाकरे के साथ सभी विधायकों की शुरू हुई है। बैठक में क्या निर्णय होता है ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, जब बैठक खत्म होगी, नेता बाहर आएंगे। बैठक में विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं, संजय राउत भी मौजूद हैं, और तमाम जो शिवसेना के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी वो भी मौजूद हैं। यानी तमाम जो बड़े नेता हैं शिवसेना के, तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। अब पेज कहाँ अटक रहा है? पेज अटक रहा है मुख्यमंत्री पद पर, बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। क्या पेज मुख्यमंत्री पद पर अटक रहा है? दिवाकर, बड़ी बात ये है क्योंकि शिवसेना का ये हमेशा ऐसा रहा है कि वो सोचती कुछ है, कहती कुछ है और करती कुछ है। अब ये हमने किसी फिल्म में भी देखा था, चित्रपट में भी देखा था, लेकिन शायद रियल लाइफ से इंस्पायर हुई थी ये बात। अब महाराष्ट्र में सत्ता की बाहर आपकी जो महाभारत है इस वक्त बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जो है ये जारी है। इस खींचतान की वजह से सरकार बनाने की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। महाराष्ट्र में 2014 में गठित हुई विधानसभा का शनिवार को आखिरी दिन है, लेकिन अब तक नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी। जनता ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी और शिवसेना महागठबंधन को बहुमत दिया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बावजूद मुख्यमंत्री के पद के लिए शिवसेना जिद पर अड़ गई है। बीजेपी इस पद के लिए अपना दावा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और शिवसेना इससे कम पर मानने को तैयार नहीं है। अब दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश का भी आरोप मढ़ दिया। यही नहीं, इशारों इशारों में शिवसेना ने कई राज्यों के भी नाम गिना दिए। जाहिर है महाराष्ट्र में सत्ता की महाभारत आखिरी दौर में अब और तेज हुई है। अगर बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी तो गेंद पूरी तरह उद्धव ठाकरे के ही पाले में है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर भाजपा ढील देने को पूरी तरह तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। शिवसेना नेताओं के बयान से भी ये जाहिर हो रहा है। संजय राउत पार्टी की भूमिका लेकर सामने आते, बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, संजय राउत का कोई आशा आकांक्षा हमेशा कभी ना मंत्री बनने की रही ना मुख्यमंत्री बनने की रही। वो कोशिश तो हमेशा होती रहती है, खास करके जिनके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है, एजेंसी होती है, पैसा होता है, वो ऐसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो। मैंने अभी इससे पहले आपसे क्या कहा था कि शिवसेना का ये स्वभाव है कि वो सोचती कुछ है, कहती कुछ है और करती कुछ है। संजय राउत कहते हैं शिवसेना बयानबाजी नहीं करती। जी हाँ,